सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप ने एक बार फिर से अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वहां के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ सकती है। जी हां, मनीष कश्यप ने फिर से एक बड़ा धमाका किया है। क्या है वो धमाका, क्या किया है मनीष कश्यप ने फिर से जिससे वहां के बड़े नेताओं की नींद उड़ सकती है, वो आपको इस वीडियो में आगे हम बताएंगे। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप लगातार चर्चा में है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं और चंपारण में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है उनको और गजब का भीड़ आ रहा है उनको देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। इसी बीच मनीष कश्यप को धमकी मिल रहा था, इसके बारे में भी मनीष कश्यप ने बताया। लेकिन अब फिर से मनीष कश्यप ने कुछ ऐसा किया है जिससे वहां के दिग्गज और बड़े बड़े नेताओं को टेंशन हो सकती है। क्या कर दिया मनीष कश्यप ने, देखिए पहले से ही उनकी लोकप्रियता से कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि वहां के बड़े बड़े जो नेता हैं उनको टेंशन होने लग गई है और यही कारण है कि कई तो लोग जो है मनीष कश्यप को धमकी भी दे रहे थे, उनके समर्थकों को गाली गलौज तक दिए। इस बात का खुलासा मनीष कश्यप ने खुद पोस्ट के जरिए किया था। अब जो है चनपटिया के FCI ग्राउंड में कल मनीष कश्यप ने एक सभा किया और सभा में जिस तरह से लोगों का भीड़ दिखा मानो यह एक बड़ा रैली था। बड़े बड़े नेताओं को हेलीकॉप्टर लेके उतरना पड़ता है तब इतना भीड़ जुटता है, लेकिन मनीष कश्यप के लिए लोगों की भीड़ दिखी, लोग जो है मनीष कश्यप को सुनने को जो है बेताब दिखे, सुनने के लिए वहां पे पहुंचे सभा स्थल पे। तस्वीर लगातार आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखिए कैसे मनीष कश्यप सभा को संबोधित कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उस लोकसभा क्षेत्र के लोग जो है वहां पहुंचे मनीष कश्यप को सुनने के लिए। देखिए निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात है, मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पूर्वी चंपारण की बात आ रही है और लगातार मनीष कश्यप जो है वो चुनावी दौरा में लगे हुए हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रतिदिन लोगों के बीच जा रहे हैं। और खास बात यह है, टेंशन वाली बात यह है बड़े नेताओं के लिए कि मनीष कश्यप जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों का हुजूम, या महिला हो, बुजुर्ग हो, मजदूर हो, गरीब हो, उनके बीच में खूब चर्चा हो रही है, खूब लोग जा रहे हैं सुनने के लिए और उनकी बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। आप ऐसे भी माइक लेके जब जा रहे हैं, हमने कई मीडिया कर्मियों का वीडियो देखा जिसमें लोग पूछ रहे हैं तो साफ साफ वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई मनीष कश्यप को हम इस बार मौका दे सकते हैं। अब यही कारण है कि बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है उनको टेंशन जो है वो हो रहा होगा शायद, बाकी जो है ये एक बड़ा जो है प्रोग्राम साबित हो गया। हालांकि मनीष कश्यप ने बड़े स्तर पे इसकी तैयारी नहीं की थी, एक वीडियो जारी करके उन्होंने कहा था कि कल एक प्रोग्राम करेंगे, FCI में सभा करेंगे और उस सभा में इस तरह से लोग आते हैं जैसे मानो वो एक रैली है, सुनियोजित रैली है और उसकी तैयारी लंबे समय से हो रही थी। अब जो है मनीष कश्यप इस सभा से ही रुकने वाले नहीं है, लगातार जो है आज जो खबर सामने निकल के आई उसके मुताबिक रोड शो करने वाले हैं वहां पे मनीष कश्यप। अब देखना होगा कि जैसे सभा में लोगों का हुजूम आया वैसे क्या रोड शो में भी लोग सम्मिलित होते हैं और मनीष कश्यप का साथ देते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव जब लड़ेंगे निर्दलीय तो मनीष कश्यप की जीत होगी या फिर क्या कुछ होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, बताइए लोगों को कि अब एक बिहार का साधारण परिवार का लड़का जो है सामने निकल के आगे लोकसभा जैसा बड़ा जो है चुनाव लड़ रहा है और लोगों का इस तरह से समर्थन मिल रहा है। बाकी बहुत धन्यवाद वीडियो यहां तक देखने के लिए। जय हिंद।